नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झज्जर में गौ सेवा आयोग द्वारा पंजीकृत गौशालाओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और प्रदेश सरकार द्वारा गौ सेवा पर इस साल 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। प्रदेश में सभी पंजीकृत गौशालाओं को 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और ये बात गौ सेवा आयोग के सदस्य संत सुरहेती ने मीटिंग के बाद कही है। मीटिंग में गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग के साथ आयोग के सभी सदस्य शामिल थे। श्रवण गर्ग ने बताया कि मौजूदा सरकार ने गायों के लिए बने बजट आयोग में 20 करोड़ रुपए का इजाफा किया है, साथ ही इस वर्ष 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें से 30 करोड़ चारे के रूप में और 20 करोड़ के बाकी के रुपए निर्माण आदि कार्यों में खर्च किए जाएंगे। और इस मामले में यदि किसी गौशाला को किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े तो वो इस काम के लिए गौ सेवा आयोग से संपर्क कर सकते हैं। इस मीटिंग के दौरान चेयरमैन श्रवण गर्ग ने सीएम मनोहर लाल व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का भी आभार व्यक्त किया है। मीटिंग में संत सुरहेती ने बताया कि मौजूदा समय में जो बजट में इजाफा किया गया जो ऐतिहासिक रहा है और इससे गौशालाओं में कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने में काफी मदद मिलेगी और आयोग के सदस्य को निर्माण कार्य में सहायता मिलने से किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी और आने वाले दिनों में जरूरत के हिसाब से गौशालाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई अभी कुछ दिन पहले हुई थी जबकि अजय चौटाला अब भी जेल में हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि भाजपा को भी अब अजय चौटाला की रिहाई का इंतजार है। सिर्फ उनके बेटे दुष्यंत को नहीं, भाजपा भी कर रही है अजय चौटाला की रिहाई का इंतजार। आखिर भाजपा क्यों रिहाई का इंतजार कर रही है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। प्रदेश में 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके ओम प्रकाश चौटाला अब अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। जहां खबरें ऐसी आई कि वह राजनीति में भी अब सक्रिय हो सकते हैं, जिससे हरियाणा की राजनीति देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। चौटाला की राजनीति में सक्रिय होने से उनके छोटे पुत्र अभय चौटाला और उनका दल इंडियन नेशनल लोक दल मजबूत होगा। वहीं खबरें ऐसी हैं कि चौटाला सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस नेता यानी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहुंचाएंगे, जो भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए भाजपा उनकी रिहाई का इंतजार कर रही है, क्योंकि दुष्यंत जितने मजबूत होंगे चौटाला और हुड्डा उतने ही कमजोर होंगे। प्रदेश में 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके ओम प्रकाश चौटाला अब अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। जहां खबरें ऐसी आई कि वह राजनीति में भी सक्रिय हो सकते हैं, जिसे हरियाणा की राजनीति देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। चौटाला की राजनीति में सक्रिय होने से उनके छोटे पुत्र यानी अभय चौटाला और उनका दल इंडियन नेशनल लोक दल मजबूत होगा। वहीं खबरें ऐसी आई हैं कि चौटाला सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस नेता यानी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहुंचाएंगे, जो भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए भाजपा को अभय के जेल से बाहर आने का इंतजार है, क्योंकि दुष्यंत जितने मजबूत होंगे चौटाला और हुड्डा उतने ही कमजोर होंगे। ओम प्रकाश चौटाला ने मजबूती से अपनी पकड़ जाट मतदाताओं को बनाया है। वहीं अजय चौटाला के भी संबंध जाट समुदाय से अच्छे हैं। वास्तव में जब तक ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे, इनेलो का नेतृत्व उनके हाथ में रहा और तब तक संगठन का सारा काम अजय ही करते थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दुष्यंत और उनकी पार्टी का जनाधार एकदम से दरक जाएगा, क्योंकि 6-7 महीने बाद दुष्यंत के पिता यानी अजय चौटाला की सजा पूरी हो जाएगी और वह जेल से बाहर आकर अपने बेटे को मजबूत करने का हर संभव प्रयास करेंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद दुष्यंत के सामने धर्म संकट हो गया। ये धर्म संकट ये था कि या तो दुष्यंत कांग्रेस का सपोर्ट कर हुड्डा की सरकार बनवा दे विपक्ष में बैठे, या भाजपा को समर्थन देकर सरकार में शामिल हो। दुष्यंत को पता था कि अपने समुदाय का मुख्यमंत्री बनाने का सपना संजोने वाले उनके समुदाय के अधिकतर लोग उनके भाजपा में गठबंधन करने से नाराज हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने पिता की सलाह पर भाजपा से गठबंधन करने का फैसला लिया और दुष्यंत के भविष्य के लिए यही फैसला सुरक्षित था। अब देखना दिलचस्प होगा कि दुष्यंत क्या करते हैं और यह अजय चौटाला की रिहाई के बाद ही पता चलेगा। बस इंतजार अजय के जेल से बाहर आने का है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। अवैध निर्माण को लेकर हुई बैठक में दिल्ली पुलिस और ITBP भी जवानों को अलर्ट रहने को कहा गया है। तोड़फोड़ के लिए पुलिस की तरफ से DCP NIT अंशु सिंगला को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। उनके साथ 2 अन्य DCP, 14 ACP, 50 इंस्पेक्टर, 10 सब इंस्पेक्टर व करीब 3000 पुलिस व RAF के जवानों को तोड़फोड़ के दौरान तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि अतिक्रमण के दौरान
किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को भंग नहीं की जाएगी और जिसके द्वारा अतिक्रमण किया जाएगा उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एमसीएफ द्वारा तोड़ा जाएगा, जिसके लिए पुलिस एमसीए को उचित सुरक्षा मुहैया कराएगी। इसके साथ ही वह सुनिश्चित किया जाएगा कि अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी के द्वारा बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। इस फैसले को 7 जून को सुनाया गया था। मंगलवार सुबह करीब 6 बजे निगम आयुक्त अपनी टीम के साथ खोरी गांव पहुंची। वहां मौके पर पहुंचकर अब तक की सर्वे रिपोर्ट व वास्तविक स्थिति के आधार पर जायजा लिया जा चुका है। निगम आयुक्त डॉक्टर गरिमा मित्तल ने कहा है कि खोरी क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की जल्द ही अनुपालना की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में सभी नागरिकों से भी अपील की गई है कि वह कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में सहयोग करेंगे। उन्होंने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि खोरी वन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। 6 सप्ताह के अंदर हमें निर्देशों का पालन करना होगा। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।